जी प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। हम इसको रोक देते हैं फिलहाल, और आप तीनों आ चुके हैं तो मैंने कहा चलो क्लास का आगाज कर लूं दोबारा। तो क्वेश्चन आ गया एमन के पास, ग्रुप पे डाल दिया बिस्मा या सामिया ने? जी सर। चलो बस फिर बिस्मिल्ला करते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल में जरा बताना, सवाल का डेटा अगर आप देख रहे हैं तो कहता है कंप्यूट द फॉलोइंग रिक्वायर्ड, क्या क्या मालूम करना है? एमन से ही पूछते हैं। एमन सबसे पहले क्या मालूम करना है मेरा बेटा? सर मैं क्वेश्चन खोलूं कैसे, मोबाइल में पिक्चर है, मैं भी कैसे खोलूं क्लास के दौरान? हाँ ये भी अच्छा सवाल है। अबे यार चलो कोई बात नहीं, तो फिर तुम ये वाला क्वेश्चन में फिर मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। चलो इसमें वर्किंग कैपिटल, करंट रेशो और क्विक रेशो, ए सी ई, एमन अपने पास लिख लो ये ए सी ई, ये तीन फॉर्मूले तुम लोग घर से करके रखना फिर, ठीक है? ऐसे सही है? और आगे बढ़ते हैं। चलो चलो भाई बच्चों कोई और ईयर पे आ जाओ यार, अब एमन को प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा। सर 18 प्राइवेट में भी है जी, मैं ये देख रहा हूँ कि कितने फॉर्मूले हैं, तीन फॉर्मूले हैं, एक दो तीन, हाँ, और तीनों फॉर्मूलों को डिस्कस किया जा सकता है। चलें बिस्मिल्ला। 2018 नहीं 17, 17 रेगुलर, 18 प्राइवेट में है। जी सर। 18 प्राइवेट में है, कौन सा सवाल मेरा बेटा? रिटेन प्राइवेट तो मेरे पास नहीं है, अगर क्या मजाक है, 18 प्राइवेट है। 18 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा एक मिनट रुको, मेरे पास क्यों नहीं है 18 प्राइवेट, क्या हो गया? एक मिनट रुकिएगा बेटा तहीर। हाँ यार मुझे 18 प्राइवेट नहीं है बेटा मेरे पास, तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? मेरे पास नहीं तुम्हारे पास कैसे? 18 रेगुलर मेरे पास है, 18 प्राइवेट। चलो भाई मेरे पास तो नहीं है यार, अब बस अब फंस गए, छोड़ो 18 भी छोड़ दो, तुम लोग 18 में जो प्रॉब्लम आया वो फेस करना और फिर मुझे उसको स्क्रीन पे शेयर करवाना। मेरे पास 18 है ही नहीं, असल में मैंने 5 ईयर बीच में खरीद ली थी ना, लेकिन 18 तो होना चाहिए। बहरहाल चलो 18 रेगुलर है, कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है, उसके बाद डायरेक्ट 17 रेगुलर आ गया। चलो 17 रेगुलर पे आ जाओ, ऐसा करो, क्या ख्याल है बिस्मा? तुम मुझे फॉर्मूले बताओगी क्या क्या है 18 प्राइवेट में बिस्मा? जी सर। नाम पढ़ो उनके रिक्वायर्ड में। सर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ओके, क्विक रेशो, करंट रेशो, ओके, और रिसीवेबल टर्नओवर, ओके, इन्वेंटरी टर्नओवर और ग्रॉस प्रॉफिट रेट। नहीं तो इसमें तीन ही काम के हैं हमारे, नेटवर्किंग कैपिटल, कोई करंट रेशो और क्विक रेशो, तो छोड़ दो अभी जो सवाल पढ़ा रहा हूँ उस पे आ जाओ फिलहाल। 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6A, सवाल पे आ गए आप लोग? जी सर। जी सर। पहला रिक्वायर्ड वन पढ़े, 6A का रिक्वायर्ड वन, क्विक रेशो। क्विक रेशो, क्विक रेशो के लिए बेटा क्या क्या बताना चाहिए बताओ? क्विक एसेट्स और लायबिलिटीज। क्विक रेशो के लिए क्विक एसेट पता होने चाहिए और करंट लायबिलिटीज। कभी अमाल अच्छे होंगे ना अगर पेपर में,
तो आपको ये वैल्यूज डायरेक्ट लिख के दी हुई होंगी, तो बस आप वैल्यूज उठाइएगा और जवाब निकाल लीजिएगा। लेकिन आज जरा सवाल का डेटा देखें गौर से, 6A है। क्या आपको कोई रेशो लिखे हुए नजर आ रहे हैं कहीं अलग से? नो सर। तो आप क्विक रेशो होते कौन से हैं? क्विक रेशो में तमाम करंट एसेट होते हैं सवाय इन्वेंट्री के, सप्लाईज के और प्रीपेड के। नहीं आवाज आ रही? समझ आया मैंने क्या कहा? कल भी समझा चुका हूँ। तो आप मुझे बताओ इस बिजनेस में सबसे पहला एसेट कौन सा नजर आ रहा है? कैश। क्विक एसेट का हिस्सा है। यस सर। उसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्विक एसेट का हिस्सा है। यस सर। नेक्स्ट अकाउंट रिसीवेबल। क्विक एसेट का हिस्सा है। नहीं हो सकता शायद। अच्छा एमन आप पढ़ेंगी है बाबा से बुलंद, आपने नहीं बोला ना एमन अगर मैं गलत ना हूँ? जी सर मैंने बोला। अच्छा तो एमन आप इसको बाबा से बुलंद पढ़ें बॉक्स को। Quick assets are quick assets all current asset less inventory supplies and prepaid। क्या समझ आया? उर्दू में बोलो। Quick asset तमाम current asset होते हैं, अगर उसमें से less कर दिए जाए क्या क्या? Inventory, supplies और prepaid। इसका मतलब है बस सिर्फ ये तीन चीजें inventory, merchandise inventory, office supplies, shop supplies, factory supplies, किसी भी किस्म की supplies और प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरीज, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग। तो जो बचता है वो क्या कहलाते हैं? क्विक एसेट। इसका मतलब है अकाउंट रिसीवेबल भी क्विक एसेट का हिस्सा है। समझ आया? जी सर। अगला नाम पढ़ो बेटा। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी है तो करंट एसेट लेकिन क्विक एसेट का हिस्सा नहीं। अगला नाम पढ़ो। प्रीपेड करंट एसेट है लेकिन क्विक एसेट का हिस्सा नहीं है। प्लांट एसेट तो वैसे भी हमारा करंट एसेट ही नहीं। लानत भेज दी। अलाउंस फॉर बैड डेट्स। क्या है अलाउंस फॉर बैड डेट्स? याद दिलाओ। कॉन्ट्रा एसेट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्या है प्यारे बच्चों? कॉन्ट्रा एसेट। और ये हमारे एसेट के वैल्यू को कम करता है। तो अभी इंशाल्लाह जब हमें रिक्वायर्ड के मुताबिक कुछ मालूम करना होगा तो हम इस चीज का ख्याल रखेंगे कि तमाम करंट एसेट्स जो हम लिखे हैं उस बात का ध्यान रखेंगे कि उसमें से एक कॉन्ट्रा एसेट है जो हमारे अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू को कम करता है, यानी हमारे करंट एसेट की वैल्यू को कम करेगा। और कितने रुपए से कम करेगा? सवाल में लिख के दिया हुआ है कितना? 2,000। ओके उसके बाद अगला नाम पढ़ो। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। ये तो वैसे भी नॉन करंट एसेट के ऊपर आता है, फिक्स एसेट पे होता है। हमारा तो फोकस ही सारा का सारा कहाँ है? करंट एसेट। वेरी गुड, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज पर। अगला नाम पढ़ो, क्या लिखा है? अकाउंट्स पेबल। क्या नेचर है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी क्या है बिजनेस का? करंट लायबिलिटी। इसके बाद लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पेबल तो है ही हमारी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल पार्ट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी। सही है, तो इसका मतलब है तकरीबन सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली। अब आप एक छोटा सा मेहनत वाला काम अगर कर लें तो अच्छी बात। हम डायरेक्ट क्विक रेशो लिखकर क्विक रेशो में डायरेक्ट वैल्यूज प्लेस नहीं करेंगे, हम बनाएंगे छोटे छोटे नन्ने नन्ने से नोट। कैसे मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा आइडिया देता हूँ। आइडिया देने के लिए आपको मैं बता रहा हूं। अल्लाह अकबर।
हाँ हाँ रिटेन अर्निंग भी है, शेयर कैपिटल भी है, नेचर क्या है उनकी मेरा बच्चा सामिया, उनकी नेचर क्या है मेरा बेटा, मैं तो क्विक रेशियो देख रहा हूँ ना सामिया, तो मेरा फोकस तो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज है, तो हमने करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज सारे डिस्कस कर लिए, क्या ख्याल है, सही है, बाकी चीजें तो बेकार है ना हमारे लिए, वो तो जब हम सारे फॉर्मूले अटेम्प्ट करने के काबिल होंगे, अभी हम सिर्फ 3 अटेम्प्ट करेंगे, 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9 जब अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे, उनको डिस्कस कर लूंगा थ्योरेटिकल वे में, तो फिर उनको भी अटेम्प्ट करवाऊंगा, अभी तो फिलहाल इस क्वेश्चन में 3 फॉर्मूले कर सकते हैं। हाँ तो क्वेश्चन ये है कि हमें आज प्रेजेंटेशन के हवाले से मैं चाह रहा था कुछ मिल जाए, लेकिन जब नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, अच्छा चलें एक काम करता हूँ, फिर मैं ही प्रेजेंट कर देता हूँ। ओके 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 चले मैं आपको वैसे ही समझाता हूँ, छोड़ें। कौन सा ईयर है 2017 17 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6A मेरा बेटा, मैं आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग बोलेंगे सर ये भी कोई काम था, आप इतनी देर लगा दिया आपने बताने में, मैं चाह रहा था काम हुआ हुआ नजर आ जाए तो ज्यादा जिंदगी आसान है, लेकिन बस वो नसीब में नहीं था, नहीं मिल रहा कम वक्त। 14 टाइम्स न्यू रोमन और ये आ गया, अच्छा हम कहते हैं हमें निकालना है क्विक रेशियो, क्विक रेशियो एक बार हमने फॉर्मूला लिख के दिखा दिया, क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स, और हमने लिख के दिखाया क्विक एसेट को हम क्या करेंगे, डिवाइड किससे डिवाइड करेंगे मेरा बेटा, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। अब प्रॉब्लम यह है मेरा बेटा, अभी देखें मैंने पहला सवाल ही ऐसा लिया ना जो हलवा ना हो, आपको पता है मुझे हलवा खिलाने का अब शौक नहीं रहा आप लोगों का, आप लोग सारे मजबूत दांतों वाली पार्टियां हैं, तो अब आप आसान सवाल आएगा ना आप बहुत इंशाल्लाह आसानी से कर लेंगी। सर इसमें मुश्किल क्या है, यकीन करें मुश्किल इसमें भी नहीं है, लेकिन अगर मैं इससे आसान सवाल लेता तो मैं पता है कैसा सवाल ले सकता था, जिसमें क्विक एसेट्स का टोटल दिया हुआ हो, जिसमें करंट लायबिलिटी का टोटल दिया हुआ हो, तो वो ज्यादा आसान हो जाता है शायद, लेकिन आज अगर क्विक एसेट का सम नहीं है तो हम यहाँ पे क्विक एसेट मालूम नहीं करेंगे और क्विक एसेट मालूम करने के लिए हमने उसे क्विक एसेट लिखकर उसे अंडरलाइन कर दिया डबल, और अब हम क्विक एसेट जॉट डाउन करते हैं। सबसे पहला क्विक एसेट कौन सा है बोलो, कैश, फिर बोलो मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज के बाद अकाउंट रिसीवेबल कोई क्या एसेट है, चेक कर रहा हूँ नहीं है, मर्चेंडाइज नहीं है मेरा बेटा, प्रीपेड नहीं है, ऑफिस सप्लाइज नहीं है मेरा बच्चा, अभी तो सारी चीजें डिस्कस करके आया हूँ। चलो अगला नाम पढ़ो, इसके बाद आएगा यही है और नहीं बस, जी सर भाई कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज और प्रीपेड करंट एसेट तो हैं, लेकिन कोई कैसेट नहीं है। नहीं अच्छा अब कैश की अमाउंट बताना है अमन बेटा, 83,200 मार्केटेबल, बस 4,800 लिखी है। अबे भैया मेरे पास टोटल बता, अबे कौन सा 4,800, अच्छा अच्छा डायरेक्ट बता दिया मैडम ने, ऐसी चैंपियन चल रही है, 4,800 मार्केटेबल सिक्योरिटीज की अमाउंट 16,000
और अकाउंट रिसीवेबल 62,400। अच्छा अब अगर आपने इसे 62,400 लिखा है ना, तो मेरे हिसाब से आपने इसे गलत लिखा है। क्यों? आज आपका अकाउंट रिसीवेबल 62,400 है जरूर, लेकिन आपको लगता है इसमें से नहीं मिलेंगे 2,400। तो वो क्या, किस नाम से लिखा हुआ है वो? अलाउंस फॉर बैड डेट्स। नेचर क्या है उसकी? कॉन्ट्रैक्ट। जब आप अपने एसेट को लिख रहे हैं और आपको लगता है इसमें से कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, तो आपको उसे भी लेस कर लेना चाहिए। तो फिर यहाँ पर तरीका ये होना चाहिए, मैं लिखूं 62,000 माइनस अमाउंट बताओ 2,400। तो ये आ गए टोटल। वेरी गुड। इसके बाद क्या निकालना है? टोटल करंट लायबिलिटी। पहला नाम अकाउंट पेबल, अमाउंट अमाउंट 54,400। 54,400। दूसरा नाम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 12,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 12,000। जी सर। 54,400 अकाउंट पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 12,000। और बस दो ही है। बस आ गए आपके कोई कैसेट और ये आ गए आपके टोटल करंट लायबिलिटी। मुश्किल? नो सर। अब आप ये दोनों वैल्यू को इस तरह से नोट बना के दिखा के उसके बाद प्रेजेंट कर देंगे अपने फॉर्मूले में, और जब आप इसे फॉर्मूले में प्रेजेंट करेंगे तो आप मुझे लिखवा दें जरा क्या अंदाज होगा। 80,800 डिवाइडेड बाय 66,400। बस इसका मतलब है अब मैं फॉर्मूले में वैल्यूज लिखने के बाद इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूं, तो जवाब बताओ क्या आता है? 1.21। इसको लिखने का अंदाज देख लें। 1.21:1 रेशो प्रोपोर्शन वाला अंदाज है। 1.21:1 सर क्या मतलब है इसका? क्यों लिखा आपने 1.21:1? इसका मतलब यह है कि मेरी लायबिलिटीज के मुकाबले में आज भी मेरे क्विक एसेट्स मेरे ज्यादा हैं। हाँ 1.21 है, यानी अगर मेरे करंट लायबिलिटीज हैं 1 तो मेरे क्विक एसेट हैं करंट लायबिलिटी से भी ज्यादा ज्यादा। यानी सारी लायबिलिटी की बात, अगर सारी लायबिलिटी को पे करने के लिए हमें पैसे चाहिए तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह क्विक एसेट ही वो आसानी पूरा कर सकते हैं। तो ये इसका तर्जुमा हो गया। अच्छा आप में से कोई पूछ ही ना रहे, इतने मासूम बच्चे हैं, सर ये इस टू वन कैसे लिख रहे हैं आप? तो मैं इसको आसान तरीके से समझा दूं अगर आप नहीं पूछ रहे तो। जैसे फर्ज करो ये यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है 40, नहीं यहाँ लिखा है 54, यहाँ लिखा है 9। तो
एक बड़ा टेबल से इसको कैंसिल करो, कैसे करोगी बोलो? 9 के टेबल से? हाँ सीधा सीधा बोलोगे 9 1 9 और 9 6 54। तो इसका मतलब है इसकी जगह आ गया 6 और इसकी जगह आ गया 1 1। तो ऐसे ही यहाँ पर 80,800 की जगह आ गया 1.21 और इसकी जगह आ गया 1 1 1। नहीं समझ आया? दोबारा बता सकता हूँ, आप परेशान ना हो सिर्फ बोल दें। अच्छा अरे मेरा बेटा ये देखो, ये लिखा हुआ है 54 और ये 9, चेंज कर देता हूँ, ये लो। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ 335 और यहाँ पे लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे 5। अब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे, जब 335 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या जवाब आएगा बोले? आप तो कैलकुलेटर पे कर लेते हैं ना, आप तो कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, क्या जवाब आ रहा है बेटा? 67 है ना? तो भाई हम आखिर करते क्या है, हम कहते हैं 5 1 5 5 5, उसके बाद 5 6 30, फिर हम पूरा टेबल पढ़ते हैं। यहाँ पर आपने क्या बताया 67, तो इसका मतलब है 5 कैंसिल होके क्या रह गया 1 और ये कैंसिल हो, ये कैंसिल होके क्या रह गया 67। इसका मतलब है 67 डिवाइड बाय 1 या 67 रेशो 1 भी लिखा जा सकता है। सामिया समझ आया बेटा या नहीं आया? ईमानदारी से एमन बिस्मा आपको समझ आया ये? जी सर। अच्छा तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ये समझ आ गया तो जरा दूसरा वाला फॉर्मूला देखना बच्चों किस चीज का है। करंट रेशो, करंट रेशो। अल्हम्दुलिल्लाह आपको करंट लायबिलिटीज ऑलरेडी पता है, सिर्फ क्विक एसेट्स में क्या कर लें बोलो? मर्चेंडाइज और प्रीपेड को ऐड, मर्चेंडाइज और प्रीपेड को ऐड कर लें, प्रीपेड को ऐड कर लें। तो पता है क्या, सुनो बेवकूफी की, बेवकूफों की तरह सारे क्विक एसेट दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। आप करंट रेशो का फॉर्मूला लिखो, करंट एसेट इसी तरह लिखो जैसे ये लिखा, ये देखो। नहीं समझ आया तो पूछो भाई प्लीज। अबे यार क्या हो रहा है, क्विक एसेट ये है ना, जैसे अब आप लिखो यहाँ करंट एसेट, बस एक नोट बनाना और करंट एसेट की हेडिंग डाल के उसमें सबसे पहले क्या लिख दो, क्विक एसेट, और फिर इसमें ऐड कर दो मर्चेंडाइज और प्रीपेड, तो आपको करंट एसेट का सम पता चल जाएगा। और अब मुझे जवाब बताओ, शाबाश। और उसको भी डेप्रिसिएशन भी माइनस होगा ना? हैं, डेप्रिसिएशन कहाँ से आ गया लड़की? डेप्रिसिएशन कौन से एसेट पे होता है? वो फिक्स पे होता है। हाँ ना, क्या हो गया मेरे बच्चों, तुम तो मुझसे ज्यादा सो रहे हो। चलो अब जल्दी से जवाब निकालो, सामिया जवाब भेजो बेटा लिख के। सामिया क्वेश्चन मार्क लगा के क्यों भेज दिया? सर 2.25 रेशो आ रहा है। 2.25 बेटा, क्या रिपीट कर दूं ये तो बोलो सामिया, रिपीट कर दें तो पढ़ लिया कि क्या करना है। अरे मेरा बेटा पहले ये बता तुझे करना क्या है।
मैं बता देता हूँ भाई, ये लो आपको करंट रेशियो निकालना है मेरा बेटा, रिक्वायर्ड टू में निकालना है। इज इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय, सही है? तो इसमें करंट एसेट पता है तुम्हें? नहीं ना, तो मैं कह रहा हूं इस तरह से लिखो, करंट एसेट्स अंडरलाइन कर दो। अब उसमें लिखो पहले से क्या पता है, क्विक एसेट कितने के हैं, 80,800। इसमें ऐड कर दो भाई और जो तुम्हारे करंट एसेट हैं, एक है मर्चेंडाइज, दूसरा है प्रीपेड एक्सपेंस। जी मर्चेंडाइज की अमाउंट बताओ इमन। 65,800। प्रीपेड की अमाउंट बता बेटा। 3,000। बस सिंपली इन तीनों को प्लस किया, 149,600 आया। यही है इमन, सही है? जी सर। और इसको क्या नाम दें, सामिया? टोटल करंट एसेट नाम दे दिया। और अब फॉर्मूले में जाके प्लेस कर दो भाई, 149,600 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी की अमाउंट 66,400। तो अब इसका जवाब कैसे लिखेंगे, 2.25:1 रेशो हमेशा ऐसे ही प्रेजेंट किया जाता है प्यारे बच्चों, याद रखना हमने करंट रेशो निकाला है, रेशो हमेशा रेशो की शक्ल में लिखा जाता है। सामिया तुम बताओ, तुम्हें ये समझ में आया? तुम मुझे कंफ्यूज नजर आ रही हो बहुत, ये रेशो लिखने में परेशान हो रही हो क्या, 1.21:1 ये समझ नहीं आ रहा? सामिया को आवाज आ रही है मेरी? इसमें आप बेटा कॉन्फिडेंट हैं? जी सर। मेरा बच्चा ये समझ में आ रहा है कि हम ये 1.21:1 क्यों लिखते हैं? हम कहते हैं कि हम रेशो के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि भाई आज एक अगर करंट लायबिलिटी है तो करंट कोई एसेट उसके मुकाबले में एक से भी ज्यादा है। सामिया समझ आया मैंने क्या जुमला कहा? मैं कह रहा हूं आज मेरे करंट लायबिलिटी अगर एक है तो मेरे करंट एसेट इसके मुकाबले में 2 गुना से भी रेशो बना रहा हूं मेरा बेटा, रेशो। हाँ, जैसे हम ये नहीं कहते कि हम जब अपना पार्टनरशिप फॉर्मेशन पढ़ते थे, पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक सलमान ने आप लोगों को पढ़ाया था, तो वहां लिखा होता था 3:2:1, याद आया? क्या कहते थे इसका मतलब क्या होता था? हम कहते थे टोटल हिस्से कितने होंगे इसमें, 6 और 3 मिलेंगे ए को, 2 मिलेंगे बी को और सी को मिलेगा 1, याद आया? रेशो। ऐसे ही आज हम कह रहे हैं कि आज हमारे करंट एसेट्स जो हैं वो करंट लायबिलिटी के मुकाबले में 2 गुना से भी ज्यादा हैं। सामिया नॉर्मल हुई? ओके मेरा बच्चा, अब तीसरा फॉर्मूला बताओ लड़कियों। इक्विटी रेशो के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, टोटल लायबिलिटीज और टोटल शेयरहोल्डर इक्विटी। हैं टोटल लायबिलिटीज, टोटल इक्विटी और टोटल एसेट। हाँ, टोटल इक्विटी से मेरा शेयरहोल्डर इक्विटी है, ये याद रखना। पता चल रहा है टोटल इक्विटीज निकाल के बैठ गई मैडम, तो इक्विटी रेशो का मतलब है शेयरहोल्डर इक्विटी रेशो, पहले इस चीज को क्लियर करने की जरूरत है। इक्विटी रेशो का क्या मतलब है विस्मा? शेयरहोल्डर इक्विटी रेशो। तो न्यूमरेटर में कौन आएगा मेरा बेटा? टोटल शेयरहोल्डर इक्विटी। अब शेयरहोल्डर इक्विटी के आइटम अगर पहचानने आते हैं तो बताओ, पहला शेयर कैपिटल, एक्सीलेंट। दूसरा रिटेन अर्निंग। अरे वाह, आप तो चैंपियन निकले, आपने शेयरहोल्डर इक्विटी को बड़ी जल्दी पहचान लिया। और शेयरहोल्डर इक्विटी को किससे डिवाइड करना है मेरे प्यारे बच्चों? टोटल एसेट, करंट एसेट ऑलरेडी हमें पता है, लेकिन टोटल एसेट हमें पता नहीं है। सिर्फ फिक्स एसेट मालूम करेंगे और टोटल करंट एसेट में उसे कर देंगे एड,
और जब हम फिक्स एसेट लिख रहे होंगे तो प्लांट एसेट में से एस कर देंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। क्या बात है, चैंपियन हो गए, चैंपियन, बिस्मिल्लाह, काम कर रहे हैं आप लोग, शाबाश, अभी के अभी फौरन। अच्छा, अरीशा को कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको बोलना या तो वीडियोस देख ले या फिर मुझसे पूछ ले, जैसे उसको बेहतर लगे। जी सर। सबसे पहले आप शेयर होल्डर इक्विटी का सम दिखाइए, सही है, दोनों को प्लस करके दिखाइए, ऐसे छोटा सा एक नन्ना सा नोट बनाइए, मैं फॉर्मेटिंग करूं। नो सर। सोच लो फिर तुम बताओगी क्या क्या किया पहले, सही है। सही है। ओके, टू लैख 67,200 आ रहा है सम शेयर होल्डर इक्विटी का। क्यों भाई अमन बिस्मा? सही सही आ रहा है। आप टोटल एसेट्स निकाल रहे हैं आप, और टोटल एसेट लिख के पहले करंट एसेट लिख दें और उसके नीचे फिक्स एसेट निकाल लें और प्लस कर लें। 3,89,600। जब आप ये जवाब मालूम कर लें इसका मतलब है आप इक्विटी रेशियो निकालने के काबिल हो गई। 1.45:1। वेरी गुड। सामिया के जवाब का इंतजार हो रहा है और बिस्मा क्या? जीरो पॉइंट सिक्स आ रहा है मेरा तो। न्यूमेरेटर में क्या लिखा हुआ है? टोटल शेयर होल्डर इक्विटी। तुम्हारा जवाब सही लग रहा है बिस्मा मुझे। शेयर होल्डर इक्विटी होती है कम, एसेट होते हैं हमेशा ज्यादा। जी 0.68। हाँ 0.68 सही होगा। सामिया ने लिख के भेजा, अबे पठान 1.45 कहाँ से ले आई? हिटलर इधर देख यार, खुदा की कसम तुम लोग तो बहुत ही पठान हो भाई। इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर इक्विटी आपने बड़ी मेहनतों से निकाली, 2,67,200 यही है भैया? जी सर। फिर आपने टोटल एसेट बड़ी मन्नतों मुरादों से निकाले, 3,89,600 यही है? जी सर। जी सर। बेटे शराफत से इसको डिवाइड करो, इससे तो जवाब क्या आ रहा है आपके यहाँ कैलकुलेटर में आजकल? 0.68 के बाद क्या आ रहा था? एक मिनट, 6,8,5,5। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 9। जी शुक्रिया। 0.69:1। आज 1 रुपए के एसेट्स के मुकाबले में 0.69 कौन है? शेयर होल्डर इक्विटी। अगर सवाल में मैं आपसे बोलूं, मैं अपने पास से बोल रहा हूं, मुझे डेट रेशियो बताओ, क्या बताओ? डेट रेशियो। तो आप बता सकते हो ऐसे मुझे बगैर कुछ, बगैर 5 ईयर देखे, बगैर 5 ईयर देखे आप मुझे? सामिया पहले ये बताओ तुम्हें समझ आया 0.69? जी
हाँ ना, तुम पता है क्या करनी थी मुझे, पता है बहुत अच्छे तरीके से, तुम 389 को 267 से डिवाइड करनी थी, है ना। तुम्हें पता ही नहीं था कौन ऊपर आएगा कौन नीचे। 0.17 कैसे बता रही है ये भी समझाओ। टोटल लायबिलिटीज को टोटल एसेट से डिवाइड कर दिया, तो वो तो तुमने रेशो ही लगा दिया। मैं कह रहा था बगैर रेशो निकाले, बगैर फाइव ईयर देखे। फाइव ईयर नहीं देखी सर मैंने। अच्छा मतलब तुमने लायबिलिटी की अमाउंट निकाल ली इसमें से, इसे माइनस करके। लायबिलिटी तो हमारे पास है ना टोटल, कहाँ है टोटल लाइब, एक मिनट, नहीं निकाली थी गलती हो गई ना, वो करंट लायबिलिटी है जो तुम जिसे लायबिलिटी कह रही हो। सामिया समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? यमन क्या कर रही हो बेटा? सर कर रही हूँ, एक मिनट। डेट रेशो निकाल लियो। सर फाइवर में बोला है, फाइवर नहीं देखनी क्योंकि जब तुम फाइवर देखोगी तो मैं कह रहा हूँ बगैर फाइवर देखे बताओ। अच्छा चलो मैं फाइव ईयर नहीं देख रहा, मैं डायरेक्ट लिख के दिखाता हूँ तुम लोगों को। मेरे मुताबिक डेट रेशो होगा 0.31:1। पता है कैसे? इतना सिंपल तरीका है, इधर देखो। हाँ ना, इतना सिंपल काम है। एसेट्स बराबर हैं, बोलो लायबिलिटीज, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बच्चे बड़े हो जाओ, शेयर होल्डर इक्विटी। शुक्रिया। अगर एसेट हैं कितने के बोलो? 3,89,600। नहीं नहीं, अगर एसेट हैं 1 तो शेयर होल्डर इक्विटी है 0.691। सही है? सही। तो ये जवाब निकालना मुश्किल है? नो सर। इसका मतलब है मैंने 1 में से 0.69 को सीधा सीधा माइनस कर दिया। अब तुम तसल्ली करना चाहती हो कि हाँ यही है सही, ये सही भी है या नहीं तरीका, तो आओ तुम लोगों की तसल्ली करवा दूं। सामिया आपको समझ आया? सामिया बेटा समझ आया मेरा बच्चा? सामिया जिंदा है? अरे तो मेरा बच्चा बताओ तो सही ना, क्या क्यों समझ में नहीं आ रहा? थोड़ा थोड़ा बादाम नहीं खा रही आजकल क्या हैं? ये इक्वेशन क्या नई है तुम्हारे लिए सामिया? अगर नई है तो बता दो मेरा बेटा। बोलो सर मैं पहली दफा देख रही हूँ। पुरानी है ना। अगर एसेट को समझा जाए कितना इस इक्वेशन के मुताबिक, बोलो।